तो रूस यूक्रेन जंग ने बता दिया कि मौजूदा दौर में हथियारों के साथ तकनीक भी बेहद अहम है। आज जंग में जिस मॉडर्न हथियार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है ड्रोन। ड्रोन की मारक क्षमता को पहचानते हुए भारत ने भी अपनी रक्षा तैयारियों में इसे प्राथमिकता में रखा हुआ है। इसलिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2030 तक भारत ड्रोन हब बन जाएगा। आर्मेनिया अज़रबैजान की जंग में दुनिया ने ड्रोन का प्रहार देखा। दुनिया ने देखा कि कैसे तुर्की और इसराइल से मिले ड्रोन के सहारे अज़रबैजान ने आर्मेनिया की फौज को निहत्था कर दिया। आर्मेनिया के टैंक हमला कर पाते, इससे पहले अज़रबैजान के ड्रोन ने उन्हें तबाह कर दिया। करीब 1.5 साल बाद दुनिया फिर ड्रोन का विध्वंसक प्रहार देख रही है। दुनिया देख रही है कि कैसे ड्रोन से यूक्रेन रूस के टैंक को तबाह कर रहा है, कैसे ड्रोन के सहारे यूक्रेन रूसी आर्मी को टारगेट कर रहा है, रूस को नुकसान पहुंचा रहा है। महज 1.5 साल में हुई इन दो जंगों ने बता दिया कि भविष्य में होने वाली जंग में ड्रोन की क्या भूमिका होगी। इसलिए दिल्ली में 2 दिन चलने वाले भारत ड्रोन महोत्सव में पीएम मोदी पहुंचे तो उनके दिमाग में तस्वीर साफ थी। भविष्य पर नजर रखने वाले पीएम मोदी ये बखूबी जानते हैं कि आने वाले कल में भारत के लिए ड्रोन की अहमियत क्या है। इसीलिए पीएम ने भविष्य का प्लान भी बताया। जिस टेक्नोलॉजी तक देश के एक बहुत छोटे से वर्ग की पहुंच थी, हमारी यहां मान लिया गया टेक्नोलॉजी अनेक बड़े रईस लोगों का कारोबार है, सामान्य मानव की जिंदगी में उसका कोई स्थान नहीं। उस पूरी मानसिकता को बदल करके हमने टेक्नोलॉजी को सर्वजन के लिए सुलभ करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं और आगे भी उठाने वाले हैं। चीन के विस्तारवादी और पाकिस्तान की आतंकवादी पॉलिसी से दुनिया वाकिफ है। भारत के दोनों पड़ोसी दुनिया के लिए खतरा है, लेकिन इस खतरे से सबसे पहले हमें निपटना है। इसलिए जरूरी है कि आने वाले वक्त को देखते हुए अपनी रक्षा तैयारी को मजबूत किया जाए। अब भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।